गांव की रौनक भले ही न बदली है, लेकिन स्कूल की रौनक बदल दी। राजगढ़ जिले के भैसाना संकुल केंद्र के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास विगत 2 माह पूर्व से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राजगढ़ जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तो अब रणनीति बनाई, जबकि नरसिंहगढ़ ब्लॉक के भैसाना संकुल में 2 महीने पूर्व से स्मार्ट क्लास बनाना शुरू कर दिया। इसी के चलते भैसाना संकुल प्राचार्य राम बाबू भी लाला, जन शिक्षक गोविंद प्रसाद शर्मा, खानपुरा हाई प्राचार्य बी एस परमार के नेतृत्व में आज भैसाना संकुल केंद्र के तहत आने वाले छोटे से एवं काफी पिछड़े हुए गांव वामबापुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंदर सिंह बिलाला व शिक्षक देवनारायण सूर्यवंशी द्वारा LED लगाकर स्मार्ट क्लास का शुभारंभ कर दिया गया। आपको बता दें कि इस ये गांव काफी दयनीय स्थिति में बसा हुआ है। इस गांव में मात्र 15 परिवार निवास करते हैं, लेकिन शिक्षकों मेहनत व बच्चों के प्रति लगाव और गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे। आपको बता दें कि इस गांव के सभी लोग मजदूरी पर निर्भर हैं, लेकिन इन परिवार के बच्चे प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को भी मात दे रहे हैं। वहीं एक शिक्षक 40 किलोमीटर दूर आती है और एक शिक्षक 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, फिर भी वर्ष भर विद्यालय 10 बजे से पहले ही खुल जाता है। वहीं शिक्षकों ने ये ठानी है कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छता सुंदरता बनाने का प्रयास जारी है। वहीं बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी इनकी खास भूमिका है। इस गांव का एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है। वहीं गांव की रौनक भले ही नहीं बदली है, लेकिन विद्यालय की रौनक बदलने का कार्य चल रहा है। इस गांव में बच्चे प्रतिदिन स्कूल आए, वहीं विद्यालय में स्मार्ट क्लास शुरू कर दी, जिसे बच्चे प्रतिदिन स्कूल में ज्ञानवर्धक कहानियां देखकर बातें सीखेंगे। सम्राट क्लास बनने से गांव के समस्त लोगों में काफी खुशियां देखने को मिली है। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। बेटा पिंगी काव स्पेलिंग के लिए काव में क्या होता है बेटा? क्या नाम है? अच्छा पढ़ा बोल लोका बोल पहले तो अच्छा आप बोल तो सात का बोल सात एक सात सात दो छः सात तीन की सात चुटाई सात दो पेटी सात जीरो सात सात दो पचास सात दो छप्पन सात पंद्रह सात सात बेटा ज्यादा नहीं आपको माता का बोल ग्यारह का बोल ग्यारह का बोल बारह का बोल दे अरे ग्यारह का बोल उसका जो स्वरूप है जैसा वो दिखना चाहिए वैसे उसको बदल देती है। अब जैसे ये जो है हाँ बदल था बच्चे ने मैंने देखा है तो ये यू कर दिया अभी अच्छा लगे उसको बुरा लग गया बेचारे उसकी हालत खराब कर दिया जैसा वो है वैसा ही बनाओ अच्छा लगता है। जैसे अपन जो है ये आ लिखते हैं लिखते नहीं आप इधर इधर देखो तो अच्छा लगा इधर जाकर हम क्या करते हैं ये लेटर दो ये दर्द है खराब लगा अच्छा नहीं लगा नहीं अपन जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम लिखते क्यों है कोशिश किए करो ओके साफ सुंदर धीरे देर से लिखो और अच्छे लिखो तो धीरे धीरे हमारे आदत में आ जाएगी। अब ये जैसे छोटा बोलते इसको छोटा लिखा अपन लेकिन इसको बेटे हमेशा ये ध्यान रखना सही छोटा बड़ा जो भी है वो जैसे ये लिखा आपने ये ऊपर का और ये नीचे वाला ये जो आपके ये निशान है नीचे वाले पूछ यहाँ तक आनी चाहिए ठीक है सही है
और ये जो ये डंडा अपन लगाते हैं ये बीच में से लगाते थे बहुत सारे यहाँ से, ये गलत है। ये क्या बोला आपने? स्वर। बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजाओ। कैलाश। बिल्कुल सही, उसके लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा। ये हम जो बोलते हैं कैलाश ये है, देख नहीं ये कैलाश है, कैलाश जैसे। बेटे क्या बोलो, क्या लिखा मैंने? पैसा 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 पैसा। शाबाश, फिर ताली बजाओ उसके लिए। बस नहीं, पैसा नहीं है वो। जन शिक्षा केंद्र बैसाना के अंतर्गत ये आमापुरा प्राथमिक विद्यालय आता है, और यहाँ पे स्मार्ट क्लास एक आम्बापुरा में ही नहीं, हमारे जन शिक्षा केंद्र वैशाला में 14-15 स्कूलों में ये स्मार्ट क्लास चालू हो चुकी है। और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने तो अभी इसको प्रारंभ किया है, पर हमें इसको 2 माह पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं DPC महोदय विक्रम सिंह जी राठौर, BRC महोदय श्री सोवालाल जी जाट, जन शिक्षा प्रभारी, इनका सभी का सहयोग। हमारे यहाँ से पास में ही एक शाला है शासकीय हाई स्कूल खानपुरा, वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और वो नवाचार करते ही रहते हैं। उनको ही देखते हुए इनके जो आसपास के स्कूल हैं वो उसी उनके ही पदचिन्हों पर चलते हैं, और स्मार्ट क्लास से हमारे बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है, स्तर भी सुधरा है, और काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। इससे क्या है कि हमारे जो बच्चे इंटीरियर में ये गाँव हैं, यहाँ के 12-15 घर है, और सभी गरीबी रेखा से में आते हैं, BPL धारी है सभी, और गांव अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। और यहाँ क्या है कि बच्चे को बुलाने के लिए हमें शासन के योजना अनुसार हमने सोचा कि यहाँ एक LCD लग जाए तो बच्चे इससे ज्ञान अर्जित करेंगे, और जो उपस्थिति वो भी 100% हो जाएगी। ये हमने LCD लगवाई है, और श्रीमान तो ये हमारे जन शिक्षक महोदय, ये प्रचारी महोदय और की प्रेरणा से हमें मिला है। श्री जन शिक्षक महोदय गोविंद शर्मा जी, हमारे खानपुर हाई स्कूल के प्रचारी महोदय परमार साह, एवं वो संकुल प्रचारी महोदय श्री भिलाले जी, इन सबके प्रेरणा या मार्गदर्शन से हमने ये कार्य किया, और उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी तो हम ये ऐसे कार्य करते रहेंगे। बस यही आशा, यही उम्मीद है।